नागपुर शहर महाराष्ट्र राज्य की दूसरी राजधानी है। नागपुर का शानदार बौद्ध स्तूप वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। 2017 स्वच्छ सर्वेक्षण में नागपुर 137वें पायदान पर पहुंच गया। नागपुर नगर निगम के लिए ये करारा झटका था, लेकिन फिर नगर प्रशासन शहर को स्वच्छ बनाने में जुट गया और स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में नागपुर ने बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का अवार्ड पा लिया। नागपुर में 4,500 किलोमीटर के रास्ते हैं, जिनकी सफाई का जिम्मा नागपुर नगर निगम पर है। रास्ते की सफाई के लिए नागपुर पालिका ने एक नया बीट कॉन्सेप्ट अमली बनाया, जिसमें 500 मीटर, 700 मीटर और 900 मीटर के बीट्स अलग अलग सफाई कर्मचारियों को दिए जाते हैं। सफाई कर्मचारी के काम पर ना आने से लेकर काम करने तक से जुड़ी कई समस्याओं का सामना नागपुर नगर निगम कर रहा था। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए नागपुर नगर निगम ने अपनाई स्मार्ट वॉच टेक्नोलॉजी। जब सफाई कर्मचारी काम के लिए अपनी बीट पर जाता है तो उसकी हाजिरी ऑटोमेटिक लग जाती है। इस स्मार्ट वॉच को जीपीएस से लिंक किया जाता है। कितने बजे एक सफाई कर्मचारी अपनी जगह पहुंचा, कितने बजे वो घर जाने के लिए निकला, ये सब पता इस घड़ी से चल जाता है। इसमें कैमरा भी है। जब कोई कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचता है तो उसकी फोटो ली जाती है। जीपीएस टेक्नोलॉजी से लैस इस रिस्ट वॉच को लेकर दो बड़ी चुनौतियां थी, हर एक सफाई कर्मी को नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराना और पुरानी कार्य पद्धति में आमूल परिवर्तन लाना। नागपुर नगर निगम ने बहुत छोटे पैमाने से इसकी शुरुआत की। 10 से 15 लोगों पर इसका डेमो लेने से पता चला कि 55% इनएफिशिएंसी देखने को मिली, यानी कि कर्मचारी सिर्फ 45% समय ही काम पर रहते थे और 55% समय तो काम पर होते ही नहीं थे। आज की डेट में ये दिखाई दे रहा है कि सफाई कर्मचारी रोज सुबह 9 बजे पहुंच जा रहे हैं, और पहले तो ये होता था कि कभी 10 बजे आते हैं, कभी 11 बजे आते हैं, कभी तो आते ही नहीं थे। साफ सफाई करने के लिए रोज आते हैं, पहले कभी आते थे कभी नहीं आते थे, अभी डेली आते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ नगर निगम को ही नहीं, सफाई कर्मियों को भी हुआ। उनका समय बचने लगा और कार्य क्षमता भी बढ़ने लगी। पहले तो सिर्फ हाजिरी लगाने में ही कर्मचारियों का कम से कम आधा घंटा चला जाता था। इस स्मार्ट वॉच के आने से अब वो सीधा अपने काम पर चले जाते हैं। फायदा घड़ी से ये हुआ कि हमको हाजिरी देने जाना नहीं पड़ता, उतना समय हमारा बच जाता है। और ये घड़ी वाटरप्रूफ भी है। इस घड़ी में एक SOS बटन भी है। अगर कर्मचारी इस बटन को 5 से 7 सेकंड तक दबाकर रखता है तो वो सीधा अपने ऊपरी अधिकारी से संपर्क बना सकता है। कोई प्रॉब्लम आई, किसी से झंझट हो गई, तो तुरंत हम बटन दबा देंगे तो सर को मालूम पड़ जाएगा, सर स्पॉट पे आ जाएंगे। इस स्मार्ट वॉच में इनबिल्ट सेंसर भी है। अगर कोई घड़ी को निकालता है तो भी फौरन पता चल जाता है। कर्मचारी अपनी जगह किसी और को भेजता है तो उसका भी पता चल जाता है। सफाई कर्मचारी को ये घड़ी देने से पहले उसकी फोटो ली जाती है। जब जब कर्मचारी काम पर आता है तब तब उसे अपनी तस्वीर इस घड़ी से लेनी ही पड़ती है, जिसे नगर निगम का सिस्टम मैच करता है। अगर किसी अन्य व्यक्ति की फोटो आती है तो पता चल जाता है कि ये घड़ी किसी और ने पहनी है। कर्मचारी 9 बजे भग जाते थे, वो अभी इसमें घड़ी में पूरा दिखने वाला है। स्मार्ट घड़ी से ये भी पता चलता है कि कौन सा कर्मचारी कितने समय के लिए बिना काम के बैठा था और अपनी ड्यूटी के दौरान कितना कार्यरत था। ऐसे करीब 8,000 डिवाइसेस बांटे गए हैं जो लगातार डेटा भेजते रहते हैं। ये सभी जानकारी पब्लिक URL पर भी उपलब्ध है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के अलावा मोबाइल फोन पर भी आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सकती है। इसे कंप्यूटर या किसी TV स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है। ये सिस्टम सिक्योर्ड है, डेटा लीकेज का कोई खतरा नहीं है। नागपुर नगर निगम को बताने के बाद ही इस सिस्टम में कोई चेंज लाया जा सकता है। इस नई टेक्नोलॉजी को सभी सफाई कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ अपनाया है। हम तो यहाँ हर सुबह जॉगिंग करते हैं, आजकल बहुत डिसिप्लिन सा आ गया है, सफाई कर्मचारी हर दिन साफ सफाई करते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशनरी कदम है और आगे जा कर के ये सिर्फ स्वच्छता कर्मचारियों के लिए नहीं, बाकी सभी जितने हमारे कर्मचारी क्षेत्रीय तौर पर काम करते हैं उनके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। मेयर के नाते मैं हमेशा एक मदर चाइल्ड रिलेशन अपने सिटी से रहता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी सिटी क्लीनलीनेस में प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे आना चाहिए। बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का अवार्ड जीतने वाले नागपुर शहर को हमारी ढेर सारी बधाइयां।